भारत को सर्दी का डर दिखाने वाला चीन कितना नासमझ है। जिस चीन को इतना ही नहीं पता कि आज के भारत की ताकत क्या है, वो चीन शायद अभी भी अतीत में ही जी रहा है। भारत के सैनिकों को कमतर कर आंकने की गलती तो वो एक बार कर चुका है और खामियाजा भी भुगत चुका है, अब फिर मुंह की खाने को शायद तैयार है। भारत की इस मेक इन इंडिया मिसाइल को देखिए, दिखने में बिल्कुल साधारण सी है, मगर जब अपना काम करती है तो अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल को भी टक्कर देती है। चीन शायद इस मिसाइल की ताकत को भी आंकने में गलती कर रहा है। अब सुनिए काम की बात, चीन को अपनी ताकत का एहसास करवाने के लिए भारत ने सीमा पर अपनी इस सबसे शक्तिशाली मिसाइल को तैनात कर दिया है। निर्भय नाम की ये मिसाइल सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। इस क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है, यानी यहीं बैठे बैठे चीन का बड़ा इलाका नाप दे। निर्भय का निशाना बेहद ही अचूक है, इसे DRDO ने विकसित किया है और ये पूरी तरह से भारत में ही बनी स्वदेशी मिसाइल है। 7 सालों से ये क्रूज मिसाइल टेस्टिंग की प्रक्रिया में थी और इसकी ये पहली तैनाती है। हर मौसम में दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने में सक्षम। चीन भरोसे लायक नहीं है और वो लगातार युद्धक सामग्री सीमा पर इकट्ठी कर रहा है। ऐसे में भारत ने भी अपनी सीमा की सुरक्षा बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में निर्भय की सीमा पर तैनाती हुई है। इसके अलावा सैनिकों को टैंक्स, लड़ाकू वाहन और दूसरे आधुनिक हथियारों से भी लैस कर दिया गया है। लद्दाख में चीन से लगी सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए सर्दियों के लिए जरूरी सामग्री भी जुटा ली गई है। चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत के पास T-90, T-72, BMP-2 जैसे लड़ाकू वाहन हैं, जो -40 डिग्री सेल्सियस पर भी ऑपरेट हो सकते हैं। आजकल इन टैंक से उगलती आग की रोशनी भी चीन देख रहा होगा और इनसे हो रहे धमाकों की गूंज भी वो सुन रहा होगा। रही बात भारत की, तो भारत को तो निर्भय ने और निर्भय बना दिया है।